लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। रामदीन, ढंग का पैंट रखा करो यार। सॉरी सर, बदल दूंगा सर। राजा, पैंट तो बड़ा खूबसूरत रखे। यस सर, मेरे एक फैन ने दिया है। थैंक यू। लो। जो मुझसे मिलने आया था कार्लोस की शक्ल में, वो राजा था। और राजा की शक्ल में जो मिला वो कार्लोस। मैंने तो उसे अपने रिसर्च के बारे में सब कुछ बता दिया। और राजा के पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो राजा है। रैंचो, अच्छा हुआ दसर्ट मेरे पास लेके आए, इससे हम राजा की जान बचा सकते हैं। लेकिन मुझे ये सब आईजी साहब को बता देना चाहिए, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। हेलो। हेलो सर, मैं जस्टिस सिन्हा की बेटी पिंकी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। सर, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन हो गया है। जो राजा बन के हमारे बीच घूम रहा है वो एक्चुअली कार्लोस है, और कार्लोस की शक्ल में जो आदमी घूम रहा है वो राजा ही है। क्या बकवास कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए? सर, ये खबर पागल कर देने ही वाली है। मेरे पास कार्लोस के राजा होने का पक्का सबूत है। सबूत? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सर, रैंचो ने एक वीडियो कैसेट रिकॉर्ड की है जिसमें कार्लोस ने राजा बनकर मेरे पापा पे गोली चलाई है। What? Yes, सर, मेरी बात यकीन करने के लायक नहीं है लेकिन ये सच है, और रैंचो ने भी असली राजा को पहचान लिया है। मैं वो कैसेट लेके आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सर आप सावधान रहिए, वो कार्लोस राजा की शक्ल में आके आपसे मिल सकता है और कुछ भी कर सकता है। सर, आप मुझ पर यकीन करके मेरा इंतजार कीजिए। ठीक है। राजा, इंस्पेक्टर का फोन था, कह रहा था कि उसने किसी आतंकवादी को पकड़ा है। एनीवे, तुम क्या पीना पसंद करोगे? नथिंग सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, मैं कौन बोल रहा हूँ ये जानने के लिए अपना वक्त जाया ना करें। बस इतना जान ले कि जो आदमी आपके सामने बैठा है उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करके राजा का चेहरा ले लिया है। बट एक्चुअली वो कार्लोस है। आप ही को जान से मारने आया है। सर प्लीज, किसी भी तरह आप उस खतरनाक इंसान से अपने आप को बचा कर रखिए। आप कोई भी बहाना करके अकेले ऊपर चले आइए, मैं यहीं से बोल रहा हूं सर। और मैं ही राजा हूं जी। राजा, होम मिनिस्टर साहब का फोन, उन्होंने मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है, तुम्हें भी साथ चलना है। मैं जरा ऊपर से एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर। mm-hmm.
को इनके औकात बताना बहुत जरूरी हो, वरना कल को हमारी बराबरी में आकर खड़े हो जाएंगे। मैं इनको इस बुरी तरीके से इंस्पेक्टर, अरेस्ट हूं। कार्लोस, अपना चाकू नीचे फेंक दो। तुम इतनी आसानी से बच नहीं सकते। ये हिंदुस्तान है और इस देश के जासूस राजा और रेंचो इस देश के गौरव है। आप सभी लोग धोखा खा रहे हैं इंस्पेक्टर, ये कार्लोस है। कार्लोस तो फिर राजा कौन है? इंस्पेक्टर, राजा मैं हूं। नाटक बहुत हो गया कार्लोस। इंस्पेक्टर लीलाराम, ये कार्लोस की कोई नई चाल है। याद है मैंने ही तुम्हें कहा था कि जैक्सन को जान से मार डालो पुलिस स्टेशन में। मैं ही तुम्हें कह रहा हूं कि शूट हिम, बहुत खतरनाक मुजरिम है ये। यही वो आदमी है जिसने कमिश्नर साहब और डीन साहब का मर्डर किया था। और सिर्फ उन दोनों का ही नहीं बल्कि आईजी साहब का मर्डर भी इसी ने किया था। लीलाराम, शूट हिम। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों करते? इंस्पेक्टर साहब, मैं भी राजा हूं। मैं हूं राजा। इंस्पेक्टर, शूट हिम। एक मिनट रुकिए। कौन सच्चा है और कौन झूठा है इसका फैसला अभी हो जाएगा। तलवार, चलो जल्दी। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कम ऑन बेबी, कम ऑन, उधार ये अपनी जगह, चलो। जिंदा है तो फिर वो गोली की आवाज? इंस्पेक्टर,
पिंकी ने मुझे फोन पर बताया कि मेरे सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो राजा की शक्ल में कार्लोस है। मुझे शक तो हुआ था, लेकिन जैसे ही राजा ने फोन करके मुझे ऊपर बुलाया तब सारी बातें मेरी समझ में आई। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया ताकि कार्लोस धोखा खा सके। सर आप, सर जिंदगी में मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इंस्पेक्टर एक मिनट सर। यस राजा साहब। आओ पिंकी, आइए आजी साहब। कार्लोस की मौत पर मैं आप सभी को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्लीज कम। आइए। डैडी, डैडी। पिंकी। डैडी। ओह। पिंकी। अब जिंदा है? आई डोंट बिलीव दिस। लेकिन वो कैसेट जो सबने देखी थी, उसने तो आप पर गोलियां चलाई थी। पिंकी, वो मेरी चाल थी। दीन साहब, कमिश्नर साहब और मैंने ये बात सभी से छुपा कर रखी थी, और शायद इसी वजह से कार्लोस भी हमारी गिरफ्त में आ गया। सना साहब भी बच गए, और साथ ही साथ वही हादसा मेरी सच्चाई का सबूत भी था। तो क्या उस बेड पर डैडी नहीं थे? नहीं, दरअसल हमने एक डेड बॉडी को सना साहब का मास्क लगाया हुआ था, साथ ही एक कैमरा भी उस ऑटोमेटिक दरवाजे के साथ फिट किया था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कार्लोस अपने अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल जरूर आएगा, और वो आया भी, लेकिन वो हमारे बनाए गए प्लान से पूरी तरह अनजान था। राजा, आपने हमें नई जिंदगी दी है, हम दोनों आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। राजा, हमें तुम पर नाज है। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो इस मुल्क से तबाही का अंत कभी नहीं होता। आज तुमने वो काम कर दिखाया है जो दुनिया का कोई भी आदमी नहीं कर सका। कार्लोस को मारकर तुमने दुनिया के हर अखबार में अपना नाम सुर्खियों पर बना लिया है। राजा, तुमने अपना ही नहीं बल्कि इस देश का गौरव बढ़ाया है। I'm proud of you. आप सच कहते हैं अजय साहब, अगर राजा मुझे कार्लोस के पंजे से नहीं छुड़ाता तो शायद इस दुनिया की सेवा करने के लिए मैं जिंदा नहीं रहता। थैंक यू अजी साहब, लेकिन फिलहाल तो मैं कार्लोस की शक्ल से बहुत थक चुका हूं, और अब तो मुझे अपनी ओरिजिनल शक्ल में ही सुकून मिलेगा जो कुदरत ने मुझे बख्शी है, और वही राजा की असली पहचान है। सर, ये तो कमाल हो गया, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। उस चेहरे में भी आप थे और इस चेहरे में भी आप। लेकिन चेहरे चेहरे में कितना फर्क है लीलाराम, और ये सब कमाल मेडिकल साइंस का है। पर अफसोस तो ये है कि कुछ लोग अपने नापाक इरादों की कामयाबी के लिए इस साइंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। अ मोमेंट प्लीज। या राजा हेयर। राजा साहब, आपके कहने के मुताबिक हमने मडाईलैंड के बंगले पर नजर रखी हुई है, वो आदमी अभी भी अंदर गया है। ओके देबू। लीलाराम, मैं तो कार्लोस को खत्म करने के मिशन में लगा रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये शक जरूर था कि जिस आदमी ने कार्लोस को यहां बुलाया है वो अभी यहीं मौजूद है। तो देखो, मेरा शक कितना सही निकला। वो आदमी मडाईलैंड के एक बंगले में मौजूद है, अभी अभी मुझे देबू ने खबर दी। चलो उसका भी काम तमाम कर देते हैं। बोलो देखो क्या बात है। राजा साहब, वो आदमी अभी मन छुपा हुआ है, एकदम अकेला है। देखो, तुम यहां रुककर चारों तरफ नजर रखो, मैं उसे देखता हूं। आओ लीला। यस सर। और आप लोग खामोश। हर तरह से पोल्यूट किया है तूने हमारे समाज को,
कार्लोस को तूने ही बुलाया था ना खत्म करने के लिए इस देश के भविष्य को? बहुत मुश्किल है ये कमीने, इस जमीन ने, इस भूमि ने बहुत बड़े बड़े वीरों को पैदा किया है और तेरे जैसे जयचंद भी। इसीलिए चाणक्य ने कहा था कि बुराई को बीज समेत नष्ट कर दो, खत्म कर दो उसे। बुराई की जो दलदल तूने हमारे समाज में बोई है उसी में दफन कर दूंगा मैं तुझे। बहुत हवस है तुझे पैसे की, मेरी बात का यकीन कर, आज के बाद तुझे सिर्फ पैसा ही पैसा मिलेगा। खुश हो जाए लीलाराम। यस सर। आज से जब भी ये कुछ खाने या पीने के लिए मांगे इसे दो, लेकिन पैसे, चटनी की जरूरत हो तो रुपयों की चटनी बनाकर दो इसे, रोटी की ख्वाहिश हो तो रुपयों की रोटी बनाकर इसके मुंह में ठूंस दो ताकि इस जैसे कमीनों की हवस पूरी हो। मिलता रहेगा तुझे पैसा, बराबर मिलता रहेगा, पूरी कर ले अपनी हवस। बुरे इंसान को खत्म करने से कुछ नहीं होगा, खत्म करनी होगी बुराई। मैं खत्म करूंगा बुराई को, आप मेरा साथ।